काजोल ने मां तनुजा के 75वें जन्मदिन को किया सेलिब्रेट। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर अपने जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस तनुजा 23 सितंबर को 75 साल की हो गई हैं। तनुजा की बेटी काजोल और तनीषा मुखर्जी ने धूमधाम से उनका बर्थडे मनाया। इस मौके पर काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर तनुजा की एक तस्वीर शेयर की और अपनी मां को बर्थडे विश किया। काजोल ने लिखा कि हैप्पी हैप्पी बर्थडे मेरी सुपर मॉम, अभी भी वही प्यार जो आज से 50 पहले था। मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली इस तस्वीर में उनकी दादी और मेरी परदादी भी है, रत्नाबाई शिलोत्री। इसके अलावा काजोल ने बर्थडे मनाने की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें सभी तनुजा का जन्मदिन मनाते दिख रहे हैं। तनुजा के बर्थडे सेलिब्रेशन में एक्टर धर्मेंद्र पहुंचे थे और केक काटने के बाद उन्हें खिलाते हुए दिखे। तस्वीर में पीछे काजोल और तनीषा नजर आ रही हैं। काजोल बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अलग तरह के किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं। काजोल एक बार फिर फिल्म हेलीकॉप्टर इला के जरिए बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। काजोल इससे पहले साल 2015 में आई फिल्म दिलवाले में शाहरुख के साथ नजर आई थी। हेलीकॉप्टर इला में काजोल सिंगल मदर का रोल अदा कर रही हैं, वहीं उनके बेटे की भूमिका में रिद्धि सेन नजर आएंगे। फिल्म को अजय देवगन के होम प्रोडक्शन तले बनाया गया है और इस फिल्म का निर्देशन प्रदीप सरकार ने किया है। फिल्म को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है, वो ये कि इस फिल्म के अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं। हालांकि बिग बी इस फिल्म में एक मेहमान कलाकार की भूमिका निभाएंगे।